माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके सामने जिस वीडियो पे रैंक ऑफ इंडिया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं। हमारे खून खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदा साहब का पूछा कि सैयदा साहब कैसे है। मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात किए और हमको पूछे कि कैसे हो। इट वॉज लाइक ओ माई गॉड। We are 100% Indian by thought, by heart, by culture. As a community, I belong to a Bora community, but the word Bora is an Indian word, and the actual translation of the word Bora means a trader. हम लोग हिंदुस्तानी है 100% है, रहेंगे और इंशाल्लाह future generations भी, wherever we are in the part of the world, हमारी परंपरा तो वही होगी। Prime Minister के साथ आज मिलना एक बहुत ही unique experience था। और आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे भी बोरा समाज से बहुत ही नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं, और हमेशा जब भी वहाँ भी अमेरिका भी गए तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि यहाँ से मैं आपके वहाँ जा रहा हूँ। और बहुत हमको बहुत पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिलके उनसे बातचीत करके, उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हमको मिलने के लिए। आज ये दोपहर ये जो फंक्शन है अभी तकरीबन 50 और शाम को 70 जने। पीएम बाद में भी इंटरेक्शन करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, कल मॉस्क में जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कुछ डिटेल्स उसके बारे में। कल प्राइम मिनिस्टर जी जो वहाँ यहाँ की जो हेरिटेज मॉस्क है, अल हाकिम मॉस्क, जो सैयदना साहब ने रिस्टोर की है, वो कल इंशाल्लाह वो देखने वहाँ पर आ रहे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा अवसर है हमारे लिए और हमको भी बहुत ही बहुत खुशनसीब है हम कि यहाँ वहाँ पे आएंगे, मोदी जी हमसे इंटरेक्शन करेंगे, हमारे समाज के बच्चों से सबसे इंटरेक्शन करेंगे। इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, इट विल बी हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड विजिट दिस मॉस्क। कैसी फीलिंग होती है एक प्राउड इंडियन के तौर पे जब आप खुद यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब आप पीएम खुद यहाँ पे आपसे मिलते हैं, आपसे बात कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ में सब कुछ सम कर दूंगा कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आज की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग्स हैं। आज हमारे लिए एक काफ़ी सेलिब्रेशन का डे है। आज मोदी साहब यहाँ पर, जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है, वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर, और सबको बड़ी बड़ी खुशियां हैं यहाँ पर। आप लोगों से मिले भी, वो आशीर्वाद भी दिया बच्चों को और कहा कि स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सैयदना मोदी जी का, सैयदना साहब हमारे जो हिज ऑनर से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उनके साथ आपका एक बहुत गहरी ताल्लुक का रिश्ता है, बहुत गहरी मोहब्बत है उसकी। आते ही के साथ ही पहला सवाल उन्होंने हमें ये पूछा कि सैयदना साहब आपके कैसे हैं, और हमें यहाँ पर सैयदना साहब ने हमेशा सिखामन दी है कि आप जहाँ भी रहो, बोहरा कम्युनिटी के जो हमारे मेंबर्स हैं कोने कोने में दुनिया में सब छाए हुए हैं, कोने कोने में सब रहते हैं, और सैयदना साहब की एक ही हमारी ऊपर जो निगरानी रहती है, और जो हमारे जो सिखामन दी है आपने कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि आप जहाँ भी रहते हो वो कंट्री के आप वफादार रहो, वो कंट्री के आप मुहिब रहो, एंड दैट इज़ वॉट वी आर ऑलवेज लुकिंग ऑन टू। ओ यस, वी आर, इट्स इन अ ब्लड, हमारे खून खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है, सो वी फील सो गुड। और ये टाइम जो है कि जो इंडियन सब मिल रहे हैं, हम बहुत से इंडियन जमे हुए हैं यहाँ पर, बोरा कम्युनिटी के हैं, बाहर के कम्युनिटी के हैं, सब यहाँ मिले हैं। वी डोंट फील वी आर डिफरेंट, वी फील वी आर ऑल वन ओवर हियर। मोदी जी के बहाने से हम लोग सब यहाँ मिल पाए यहाँ पर, एंड वी रियली ग्रीट मोदी जी ओवर हियर एंड वी विश हिम अ वेरी कम्फर्टेबल स्टे इन इजिप्ट। इट इज़ ऑनर दैट ही इज़ हियर एंड इट इज़ माई प्लेजर टू मीट हिम, एंड
he is coming tomorrow to visit the mosque also tomorrow, the Hakim Mosque, and we'll meet him there. And we welcome Modi Saab over here in Egypt. And I hope so that he has a return, have a safe back, safe journey back home. How do you feel to be proud and Indian as PM Modi, as an India head visiting here after a long time? India has a big investments over here in Egypt. So I think so it will be a good start. President Modi has come here to Egypt to meet Mr. President Abdel Fattah Sisi. I think so we'll be doing a good venture together with India, and lots of investment might be coming into Egypt. First of all, it was a surprise ke bhai Modi sir yahan pe aaye, Modi ji yahan pe aa rahe hain, aur uske baad we really feel honored at the same time very proud ke Modi sir yahan pe itne saalon ke baad Indian PM yahan pe aaye hain, aur all over the Egypt hum log as Indians staying over here, everyone is talking to us ke aapka ye Prime Minister yahan pe aa rahe hain, and all that makes us really feel very very proud over here. दैट वॉज अनदर ऑनर कि हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदना साहब का पूछा कि सैयदना साहब कैसे है, एंड द मोमेंट आई सेड कि हमने भी पूछा कि साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, तो उन्होंने उनके लिए तो ऐसे ही बोले कि हाँ चलता है, बट इट वॉज लाइक रियली एन ऑनर कि भाई सबसे पहले सैयदना साहब कैसे है. And that was another thing which was really good for us to understand कि मोदी साहब इतना recognize करते हैं हमारे को. As an Indian कैसी feeling होती है जब खुद देश के head, India के head आपसे बात करते हैं, आपका स्वागत करते हैं? हमको जब भी मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात किए और हमको पूछे कि कैसे हो, it was like oh my god, the PM is talking to us and saying कि आप कैसे हो, it was so casual. And like being PM being so casual with us over here was another thing, कैसे इतने normally इतने casually हमारे साथ इतना time हमारे साथ निकाला और हमको एकदम closeness हमको feel किया. I came as a young boy, graduate किया मैंने BCom with financial management और business law Mumbai University से. मैं 100% Mumbai कर हूँ, heart is very much Indian, थॉट इज़ वेरी मच इंडियन, लेकिन जब हम कहते हैं जब नसीब होता है आदमी का जो खाना पीने का जो दाना लिखा हुआ था, तो हमें मालिक ने मिसर भेजे, एंड दिस इज़ नाउ द थर्ड जनरेशन हु इज़ ओवर योर ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पे पढ़े लिखे हुए बड़े हुए. बट अगेन आई रिपीट, वी आर 100% इंडियन बाई थॉट बाई हार्ट बाई कल्चर, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि जब मैं आया था 1980s के अंदर अर्ली, and today I see that Hindustani, when you tell यहाँ पे local के I am from India, तो suddenly they look at you and say, oh, in Arabic they say in the Hindi, that is you are from India, from India, and they immediately connect you. First in the 80s they used to connect you with Amitabh Bachchan and Bollywood, now they connect you with IT etc. जे आज education के ऊपर जो India आ रहा है, because they realize आज यहाँ पे जो जितने भी बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स है, देर इज एन इंडियन सिटी ऑन द टॉप, ही इज एन इंडियन, एंड इट कैन बी वेल डिफाइंड कि आज हिंदुस्तानी के लोग है, वी आर भले के ओके एज अ कम्युनिटी आई बिलोंग टू अ बोरा कम्युनिटी, बट द वर्ड बोरा इज एन इंडियन वर्ड, एंड द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड बोरा मीन अ ट्रेडर. अभी स्कूल में भी हम लोग जाते थे मुंबई के, भाई बोरी की दुकान से ये लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, शार्पनर लेके आओ, बिकॉज इट्स ऑलवेज वी आर पेटी ट्रेडर्स. तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन. हाउ डू यू फील व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सेल्फ टॉक टू यू पीपल एंड ही कांग्रेचुलेटेड यू, वेलकम्ड यू एंड यू आल्सो? देखो जी, ये जो फीलिंग जो इट्स ऑन अ सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो इट्स लाइक अ वेव. जब आप खड़े होते और कोई मोदी जी जैसे जो ही इज़ ऑफ कोर्स एज वाइज इज सीनियर हमारे, इज़ लाइक अवर फादर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टॉक ऑफ द ह्यूमन पार्ट, फिर दूसरे पार्ट के भाई आप प्रधानमंत्री है ये, लेकिन वो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमिलिटी है जो हमारे साथ जो मिक्स करते हैं, आई डोंट थिंक वी वुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इफ देयर वाज समबडी एल्स. जो जब मोदी जी जो है, वी कैन फील के उसके रग के अंदर है, ही वॉन्ट्स टू मिक्स विद द पीपल, ही डजेंट केयर फॉर all that pomp or he is a common man and he understands the common man.
आज उसके नसीब और उसके हार्ड वर्क से हैज़ ब्रॉट हिम टू द प्लेटफॉर्म एज पीएम ऑफ इंडिया. सो वी अप्रिशिएट दैट एंड वी ऑल्सो अप्रिशिएट के ही हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद आवर कम्युनिटी द बोरा कम्युनिटी विच यू ऑल हैव सीन इन द पास्ट. मुंबई के अंदर जो हमारे जो यूनिवर्सिटी सैयदना साहब के साथ देयर हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज क्वार्टर एंड अगेन से दैट क्लोजनेस हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज वी आर कल्चरली बाउंड. मैं दूसरी चीज़ को देखता ना, वी आर कल्चरली बाउंड. हम लोग हिंदुस्तानी है 100% है रहेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशन्स भी वेर एवर वी आर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी परंपरा तो वही होगी. वी विल नेवर चेंज वी विल ऑलवेज रिमेन 100% हिंदुस्तानी. एंड आई एम प्राउड दैट टुडे आई एम इंडियन. जब हम बच्चे भी ओके दे आर बॉर्न ओवर हियर बट वी ऑलवेज इंजेक्ट देम आवर कल्चर. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अपनी भी राय का इजहार कीजिए. अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़.